हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर के बारे में जो है एक एजुकेशन हब, एक ऐसा शहर जहां है दुनिया की सबसे लंबी ओपन एयर गैलरी। इस शहर के लोगों को दुनिया में सबसे फिट माना जाता है और इस शहर में है दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चिड़ियाघर। ये शहर फेमस है अपनी बियर के लिए क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा बियर गार्डन है। यहाँ की पार्टी वर्ल्ड फेमस है और ये शहर जाना जाता है अपनी नाइट लाइफ के लिए। एक ऐसा शहर जिसने झेला है दो दो वर्ल्ड वॉर और फिर से खड़ा भी हुआ है सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर। ये शहर जाना जाता है नए नए टेक्निकल इनोवेशन के लिए। यहाँ के लोग होते हैं बहुत ही मेहनती। यहाँ के पार्क और बगीचे की खूबसूरती आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जर्मनी की बहुत ही खूबसूरत शहर बर्लिन की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बर्लिन के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि बर्लिन जर्मनी की राजधानी है जिसे द जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाता है। बर्लिन शहर क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से जर्मनी की सबसे बड़ी शहर है। शहर की आबादी की बात करें तो यहां की लगभग 4.5 मिलियन है और ये शहर समुद्र तल से 34 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बर्लिन की सबसे अच्छी बात है कि यहां की मौसम, इस शहर में ना तो आपको ज्यादा गर्मी लगेगी और न ही ज्यादा ठंडी। यहाँ के मौसम इतना सुहावना है कि जब भी आप इस शहर में जाएंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। शहर में औसत मैक्सिमम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस है और औसत मिनिमम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, आप जब भी बर्लिन जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी और वो है अनगिनत बार और पब। बर्लिन के लोग काम जितना करते हैं उतना ही पार्टी भी करते हैं। ये लोग जितना जुनून काम के प्रति दिखाते हैं उतना ही उत्साह से पार्टी भी करते हैं और इसलिए इस शहर में आपको हर जगह बार और पब मिलेंगे। इन पब और बार में शाम होते ही यहाँ के लड़के और लड़कियाँ खुलकर पार्टी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पब और बार सुबह 3 बजे तक खुली रहती है। मतलब ये कि यहाँ के लोग सारी रात पार्टी और मस्ती करते हैं। बर्लिन में स्थित जूलॉजिकल गार्डन में दुनिया के किसी भी जूलॉजिकल गार्डन से ज्यादा देसी विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। इस गार्डन में 1300 से ज्यादा प्रजाति के साथ 20,000 से ज्यादा जानवर हैं। गार्डन में पर्यटक के लिए बहुत सी सुविधा प्रदान की गई है और शायद यही वजह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा पर्यटक यहीं आते हैं। इस गार्डन के सबसे खास बात यह है कि यहां आपको जानवरों के साथ साथ बातचीत करने की अनुमति मिलती है और जो शायद कहीं नहीं मिलेगा। एक और बात इस गार्डन को खास बनाती है यहाँ की एक्वेरियम, जिससे आप जान सकते हैं समुद्र जीव के लाइफस्टाइल के बारे में। क्या आपने कभी किसी ऐसी दीवार के बारे में सुना है जिसने एक देश को दो हिस्सों में बांट दिया और वो भी रातों रात? लेकिन कुछ सालों के बाद वो दो हिस्से फिर से एक हो गए। जी हाँ, ऐसी दीवार का नाम है बर्लिन की दीवार। इस दीवार ने 28 साल तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी टुकड़ों में बांट के रखा है। 13 अगस्त 1961 को इसका निर्माण शुरू हुआ था जो 14 अगस्त की सुबह तक चला और 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ दिया गया। बर्लिन की ये दीवार करीब 160 किलोमीटर लंबी है जिसे बनाने वाले अभियान का नाम दिया गया था ऑपरेशन पिंक। दरअसल इस दीवार को बनाने के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी का बंटवारा हो गया तो सैकड़ों कारीगर और व्यवसायी हर दिन पूर्वी बर्लिन को छोड़कर पश्चिमी बर्लिन जाने लगे। इसके अलावा कुछ लोग राजनीतिक कारणों से भी पूर्वी बर्लिन को छोड़कर जाने लगे थे, जिससे पूर्वी जर्मनी को आर्थिक और राजनीतिक दोनों के रूप में बहुत नुकसान होने लगा था। 1980 के दशक में जब सोवियत संघ कमजोर पड़ने लगा तो पूर्वी जर्मनी में दीवार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुए। आखिरकार 9 नवंबर 1989 को दीवार तोड़ दी गई और जर्मनी फिर से एक हो गया। हालांकि दीवार के कई हिस्से आज भी बर्लिन में मौजूद है जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग जाते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि बर्लिन शहर को म्यूजियम का शहर कहा जाता है। साथ में ये भी कहा जाता है कि हर बरसात के दिन मनोरंजन के लिए यहाँ एक म्यूजियम है। इस शहर में आपको 180 प्रकार के म्यूजियम मिलेंगे और इन म्यूजियम को देखने के बाद आप जर्मनी के इतिहास को और अच्छी तरह से जान पाएंगे। सिर्फ म्यूजियम ही नहीं, बर्लिन जाना जाता है अपने फेमस बियर के लिए। दोस्तों, यहाँ के लोग बियर प्रेमी होते हैं। बर्लिन वेजी नाम की एक खास बियर यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पीना पसंद करते हैं। लोगों के बीच बियर पीने का कोई टाइम टेबल नहीं है, मतलब ये लोग कभी भी कहीं भी बियर पीने शुरू हो जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीना मना है, लेकिन आप सार्वजनिक स्थान पर बिना कोई रोक टोक के बियर पी सकते हैं। बियर के प्रति जो प्रेम यहाँ के लोगों के बीच देखने को मिलता है, शायद वो प्रेम दुनिया के किसी भी जगह नहीं है। यहाँ बियर पीने का जुनून इतना है कि लोग ऑफिस के समय में भी बियर पीते हैं। दोस्तों, हम सभी को कॉन्डोम के बारे में जानकारी है, लेकिन सबसे पहले कॉन्डोम का निर्माण और उपयोग कहाँ हुआ था ये आपको बताते हैं। बर्लिन में 1916 में जूलियम फ्रॉम ने कंडोम का आविष्कार किया था, जिसकी लोकप्रियता इतनी बड़ी कि आज ये पूरी दुनिया में बनाई और इस्तेमाल की जाती है। एक पोलिश जर्मन उद्यमी केमिस्ट थे
जूलियन ने रबर ग्लव और गर्म पानी की बोतलें जैसे कई अन्य इलास्टोमेरिक उत्पाद भी बनाए। ऐसा कहा जाता है कि बर्लिन शहर कभी भी सोता नहीं है, इसीलिए इस शहर की दुकानें पूरी रात खुली हुई मिलती हैं। ये दुकान वैसे लोगों के लिए बनाई गई है जो दिन में काम की वजह से खरीदारी नहीं कर पाते हैं। ये लोग अपनी जरूरत की सामान को इन्हीं दुकान से करते हैं। इन दुकानों में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये दुकान खासकर पर्यटक के बीच बहुत फेमस है क्योंकि इन दुकानों में पर्यटक का खास ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुबई के अलावा सिर्फ बर्लिन में मिलता है गोल्ड एटीएम। इस एटीएम से आप 250 ग्राम तक वजन वाले सोने की छड़ निकाल सकते हैं और कुछ गोल्ड एटीएम से आप सोने के सिक्के भी निकाल सकते हैं। इस शहर की ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम में से एक है। एक सर्वे के मुताबिक बर्लिन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक दिन में उतनी दूरी तय करती है जितनी दूरी पृथ्वी के चारों ओर 8.7 बार तय करने में लगेगी। जी हाँ, सही सुना आपने, इस शहर में आपको वर्ल्ड क्लास मेट्रो, लोकल ट्रेन, बस और कैब मिलेंगे, तभी तो इसकी गिनती बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से होती है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी कोई चीज किराए पर लिए ही होंगे। बहुत से लोग किराए में हेरा फेरी भी करते हैं। ये किराए ही हेरा फेरी हमारे देश में बहुत होती है, मगर ये कोई सीरियस क्राइम नहीं माना जाता। लेकिन बर्लिन में अगर आप इस तरह की कोई हेरा फेरी करते हैं तो इसे वहाँ एक गंभीर अपराध के रूप में देखते हैं। यहाँ पर अगर आप किराए के मामले में कोई गलती करते हैं तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है, साथ ही साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसलिए जब भी आप बर्लिन जाए तो इस मामले में ईमानदार बने रहिएगा। बर्लिन शहर बहुत ही हरा भरा है। यहाँ आपको हर तरफ छोटे छोटे बगीचे नजर आएंगे। यहाँ के लोगों में भी नेचर के प्रति बहुत प्यार है। ये लोग पेड़ पौधे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बर्लिन में लगभग 2500 पार्क और बगीचे हैं और इस शहर के भीतर 7 अंगूर के बाग हैं। और यहाँ रहने वाले सभी लोगों के घर के आसपास आपको फूलों के बगीचा और बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे। बर्लिन शहर को द ग्रेफिटी कैपिटल ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। इस शहर में आपको यूरोप के सबसे ज्यादा स्ट्रीट टैगर्स मिलेंगे। इनका काम होता है कि इमारत और दीवारों पर इस तरह की पेंटिंग से भरना। आपको बर्लिन के सफर पर पूरे शहर में इन लोगों के कारनामे को देखने का मौका मिलेगा। आपको बर्लिन की लगभग हर घर की दीवारों और बाउंड्री में इन लोगों द्वारा किया गया पेंट देख सकते हैं। इस शहर में रहने वाले जब सोकर उठते हैं तो अपने घर की बाहरी दीवारों की सूरत बदले हुए देखते हैं। रातों रात ये सारी की सारी दीवार को पेंट कर देते हैं। एक अनुमान के तहत इस शहर के दीवारों से पेंट साफ करने के लिए लगभग 35 मिलियन यूरो हर साल खर्च किया जाता है। इन दीवारों पर स्ट्रीट टैगर्स अक्सर बमबारी जैसे चित्र का निर्माण करते हैं जो देखने में बहुत ही अजीब लगता है। बर्लिन में आप किसी बच्चे का नाम इस तरह नहीं रख सकते जिससे उसके जेंडर का पता नहीं चले। यानी बच्चे का नाम इस तरह से रखना होगा कि जिससे पता चले कि बच्चा लड़का है या फिर लड़की। यहाँ रहने वाले नागरिक अपने हिसाब से बच्चे का नाम नहीं रख सकते, और अगर रखना है तो उसके लिए पहले यहाँ सरकारी इजाजत की जरूरत होती है। बर्लिन में अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसे इसकी कोई सजा नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ हर किसी को आजादी का अधिकार है और हर कोई जो आजादी के लिए कुछ करता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता। ये अजीब तो है। खैर, आप लोगों का इस पर क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। बर्लिन का फन सेहटर्म टावर पूरी जर्मनी में स्थित सभी टावर और इमारत में ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई जमीन से 368.03 मीटर की है। इस टावर की ऊंचाई जितनी है उतनी ऊंचाई पूरे यूरोपियन संघ में तीसरी सबसे बड़ी संरचना बताई गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि इस टावर के निर्माण 1965 से शुरू हुआ है और 3 अक्टूबर 1969 को इसका निर्माण समाप्त हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये शहर सबसे ज्यादा माना जाता है अपने मुफ्त एजुकेशन सिस्टम के लिए। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज तक की पढ़ाई सबके लिए मुफ्त है, वो चाहे यहाँ के नागरिक हो या देश के बाहर के कोई अन्य व्यक्ति। बर्लिन में वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी जैसे हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, द टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, निशुल्क यूनिवर्सिटी, कला यूनिवर्सिटी है जो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में अहम योगदान निभा रहे हैं। एक अजीब बात नहीं है यहाँ की, आपको जानकर हैरानी होगी कि बर्लिन में जब आप किसी को फोन लगाते हैं तो हेलो के बजाय अपना नाम बताकर बातचीत की शुरुआत करनी होती है। इस शहर के लोगों ने पहले से ही अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छा ख्याल रखा है। बर्लिन के हर एक लोग आपको बहुत ही फिट मिलेंगे, इसके लिए ये लोग रोजाना मेहनत भी बहुत करते हैं। आपको अक्सर इन लोगों को पार्क में दौड़ते हुए, एक्सरसाइज करते हुए देखने को मिल जाएंगे। ये लोग यहाँ के लोगों में आपको हमारे देश जैसा तौन तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। आपको शायद अब समझ में आ गया होगा कि इतना बियर पीने के बावजूद बर्लिन के लोग मोटे क्यों नहीं हैं। यहाँ के लोग अपने फिटनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने लाइफस्टाइल को इतने डिसिप्लिन में रखते हैं कि ये कभी मोटे होते ही नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस शहर में 3 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिसमें म्यूजियम आइलैंड, पोस्ट डैम और बर्लिन मॉडर्निज्म हाउसिंग एस्टेट। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस।
आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको जर्मनी का वीजा 6 से 12 हफ्तों के अंदर मिल जाएगा। अगर आप अकेले हैं तो बर्लिन में घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 1,00,000 तक खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों जर्मनी की करेंसी है यूरो, जिसकी वैल्यू है लगभग 85.82 भारतीय रुपए। तो दोस्तों ये था जर्मनी का सबसे शानदार शहर बर्लिन। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किए इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।